सभी लोग को स्वागत है दिल से। कल टेक्निकल इश्यू के कारण क्यूज नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। हम एक बात कर रहे हैं सर जी, भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार की, ठीक ना। छोटे छोटे टुकड़े में हम वीडियो लेकर आएंगे और आप इससे अपना पक्ष मजबूत कर लीजिएगा। एकदम सिंपल सिंपल लेकर हम आएंगे, ठीक ना। आज इतनी बातों पर चर्चा करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। बात करते हैं सर जी पीसीएस की, यानी सिंपल सी बात करें बीपीएससी की, ठीक ना। बीपीएससी के क्षेत्रों में सबसे बड़ी पहल होने वाली है, ये कहानी। साथ ही सर जी बात करते हैं एसआई की, एसआई में भी ये चीज क्या होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है, ठीक ना। तो आप तमाम लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ जाइए, ठीक ना। चलिए बारी बारी से बात करते हैं भारतीय कृषि के क्षेत्र में सुधार के, ठीक ना। पहली बात करते हैं सर जी संस्थागत सुधार अथवा भूमि सुधार के। इसमें क्या क्या पहल किया गया, मदस्थों का अमुनल किया गया, जमींदारी प्रथा का अमुनल किया गया, लगान का नियमन किया गया, चकबंदी भूमि का और सहकारी खेती का, ठीक ना। एक एक मिनट में हम आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, अब बस समझ जाइए। पहली सर जी मदस्थनों मतलब होता है सर जी बिचौलिया, जो जमीन की खरीदी और विक्रीति में भागीदारी लेते हैं, बिचौलिया समझे था, जैसे अगुआ लोग, ठीक ना। उसकी बात करते जो बीच में जमीन को अपने साथ रखे और दूसरे को क्या कर दे, बेच दे, ठीक ना, उन्हीं को बिचौल मदस्थों का अनुमोदन का। जिस राज्य पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था व्यवस्था लागू था वह राज्य अच्छे से काम किया, आज इसमें नहीं लागू था वो दिक्कत से काम किया, ठीक ना। वही क्या कहलाते हैं, मदस्थानों का उन्मूलन, ठीक ना। जमींदारी तथा उन्मूलन, जो पहले जमीन जमींदारों के पास था उसका अंत किया गया और अलग अलग समाजों में उसको क्या किया गया, बांटा गया। लगान का नियमन मतलब लगान जो पहले लिया जाता था, जैसे चार भाग होते थे तो एक भाग राजा लेते थे, तीन भाग आप लेते थे, उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया 1948 से, अलग नियम ला दिया। चकबंदी भूमि का, अलग तरीकों से भूमि का सुधार मंडी बनाया गया, ये चकबंदी भूमि बना। सहकारी खेती मतलब मान लो ना कि तू किसी भी गवर्नमेंट जमीन पर खेती कर रहे हैं, आप उस पर खेती कर सकते हैं लेकिन उसको खरीद और बिक्री नहीं कर सकते हैं, ये होती है सहकारी खेती व्यवस्था, ठीक ना। अब तकनीकी सुधार की बात करते हैं। पहले कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, अलग तरीके से कृषियों को मॉडल से जोड़ा गया हमारे देश में। फिर अधिक उपज देने वाले चीजों को लाया गया, जैसे यूरिया डाई एकक से कीटनाशक चीज खेत में छिड़का जाता है, जिससे किसानों को क्या मिले, अधिक उपज मिले। बात समझ में आ रही है ना, फिर से अधिक उपज देने के लिए अलग अलग तरीकों से अलग अलग सुविधाओं को लाया गया, ठीक। रासायनिक खाद का प्रयोग, देखिए वही बात आया, ठीक ना, वही खाद छिड़केंगे रसायन तरीके से बने से, यूरिया पोटास जो जो चीज होते हैं जो किसान लोग खेत में डालते हैं वो तकनीकी सुधार है, टेक्निकल विधि होते हैं, ठीक ना। फसल की दवाइयाँ, कुछ दवाई भी डाले जाते हैं, अगर कुछ फसल में कीटाणु लग जाएंगे उसको दवाई के माध्यमों से अलग अलग तरीकों से भी सजाया जाता है, ठीक ना, फसल की दवाइयाँ, ठीक ना। वैज्ञानिक खेती, साइंस ने अलग अलग तरीकों से खेती करने की कीमतें बताई देश में कि कैसे कैसे खेती किया जाएगा और कौन कौन सी टेक्निकल विधि लाया जाएगा। पहले सर जी खेतों में जल पहुंचाने के लिए अलग विधि थी, अब खेतों में जल पहुंचाने के लिए अलग विधि है, उसी तरीके से वैज्ञानिकों का क्या खेती व्यवस्था, ठीक ना। उसके बाद खेती के यांत्रिकृत मतलब खेती पर अलग तरीके से बनावट डालना, ये तकनीकी सुधार की भाग होती है, ठीक है। ये दो चीज समझ गए आप लोग, संस्थागत सुधार मतलब बहुत पहले जो भूमियों पर होती थी, अब ये बात हुआ सर जी का तकनीकी सुधार जो भूमियों पर क्या होती है, अब की बात होती है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर जी सामान्य सुधार,
सामान्य सुधार में क्या क्या हुआ? एक हुआ सिंचाई, मतलब खेती में पानी पहुंचाना, साख उपलब्ध, समय समय पर खेती में एक एक चीज का उपलब्ध कराना, कीमत का समर्थ करना, कीमत मतलब तय रेटों पर बेचना और तय रेटों पर खरीदना कीमत से, जिसे खाद का रेट क्या होगी, इसकी रेट क्या होगी, अच्छी भंडारी की व्यवस्था कराना अलग तरीकों से, ठीक ना, और अच्छी विपणन से मतलब उसको अच्छे तरीके से रखा जाना। उम्मीद करते हैं सर जी तीन कंडीशन आपको समझ में आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा लेकर आएंगे, ठीक है, थैंक यू सर जी।